आज हम आपके लिए बना रहे हैं तीखी और चटपटी ओल की चटनी। तो इसके लिए 350 ग्राम्स ओल लिया है। इसे आप या तो ग्लव्स पहन के काटें या कपड़े से पकड़ कर काटें, क्योंकि इससे थोड़ी खुजली होती है हाथों में। तो यहाँ मैंने इसे पीसेस में काट लिया है। तो अब हम इसे बॉयल करेंगे। तो इसे बॉयल करने के लिए कुकर में थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और इसमें हम सारे ओल के पीसेस को डाल देंगे। साथ ही यहाँ मैंने थोड़े से इमली लिए हैं, तो इस इमली को भी अब हम इसमें डाल देते हैं। ये लगभग एक मुट्ठी इमली है, इसे डाल देंगे और इसमें इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। और कुकर में हम 2 से 3 सीटी आने तक इसे हमें कुक करना है। तो कुकर को हमने चढ़ा दिया है। तब तक हम अपने मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं और साथ ही 12 से 13 लहसुन की कलियाँ हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। तो इन सब चीज़ों को हमें दरदरा कूटना है। इसे हम क्रश करके लेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए, यहाँ 3 सीटी हो गया था तो हमारे ओल भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। तो इसका मैंने छिलका उतार लिया है और इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ईजिली मैश हो जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। ये बिहारी स्टाइल ओल की चटनी खाने में बहुत बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो यहाँ मैंने स्वादानुसार नमक डाला है और साथ ही मैंने जो अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को क्रश करके रखा था उसे 1 चम्मच भर के डाल देंगे और धनिया पत्ता ऐड कर दिया है। धनिया पत्ता डालने से इसका टेस्ट बहुत बहुत ही अच्छा आता है। 1 नींबू का रस था उसे भी हमने डाल दिया है और साथ ही 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून कच्चा सरसों का तेल डाला है। तो इसे आप ज़रूर ऐड करें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही स्मोकी हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे। तो इसे अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून कलौंजी ऐड करेंगे, जिसे मंगरेला भी कहते हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये चटनी आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। आप रोटी, चावल किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। आप इसे एक बार बनाकर 10 से 15 दिनों के लिए फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। तो हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जल्द ही मिलूंगी एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।